इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा अनूपपुर जिले के पशान नगर पालिका क्षेत्र में 3311 केवी का विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण अनूपपुर जिले विधायक बिसाहूलाल सिंह द्वारा किया गया। बीओ पशान नगर पालिका में लंबे समय से सब स्टेशन का इंतजार किया जा रहा था, जो आज अनूपपुर विधायक बिसाहूलाल सिंह द्वारा सब स्टेशन का लोकार्पण किया गया। विद्युत विभाग द्वारा बनाया गया सब स्टेशन की लागत 2 करोड़ रुपए कीमत से बनाया गया है, जिसका फायदा आसपास के लगे हुए समस्त ग्रामीण क्षेत्र और नगरपालिका क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत की सप्लाई की जाएगी। लोकार्पण के समय एमएल विश्वकर्मा अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, विशिष्ट अतिथि सुमन राजू गुप्ता अध्यक्ष नगरपालिका पशान, विद्युत विभाग से पी के गोडाम कार्यपालन अभियंता अनूपपुर सुशील कुमार यादव, सहायक अभियंता कोतमा विजय कुमार ध्रुवे, कनिष्ठ अभियंता कोतमा मौजूद रहे। बिसाहूलाल सिंह विधायक पूर्व ऊर्जा मंत्री एमएल विश्वकर्मा अधीक्षण अभियंता अनूपपुर। धन्यवाद। 2 करोड़ के करीब लागत के बनी है। पहले मेरे टाइम पे स्वीकृत किया गया था, पर इसको नेतागिरी के चक्कर में लोग यहाँ से हटा दिए, तो इसलिए अब दोबारा हम लाकर इसका निर्माण कराएंगे। किस किस क्षेत्र को फायदा होगा इसमें? आप जमुना को पूरा पौड़ी एरिया का, पूरा भालू माड़ा का, पूरा जो भी गड्ढा हम लाते हैं सबके यहाँ पर हमारे सबको। ये IPDS योजना के तहत ये उपकेंद्र निर्मित हुआ है। इसकी लागत लगभग 2 करोड़ रुपए है और इसमें से 3 11 KV के अर्थात 11 KV के फीडर्स निकलेंगे, जिससे लगभग 5000 उपभोक्ताओं को मानक स्तर की गुणवत्ता की और निरंतर विद्युत प्रदाय का प्रयास किया गया है, जिसमें हम सफल हैं। ऐसे कुछ और आपके द्वारा उपकेंद्र बनाए जा रहे हैं? अभी कल प्रभारी मंत्री जी की अनुमोदन से अनूपपुर जिला मुख्यालय में एक नया उपकेंद्र बनने जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। उससे जिला मुख्यालय की विद्युत व्यवस्था और सुदृढ़, स्थिर और विश्वास की योग्य है।